नाजरीन एंड वेलकम टू एम ए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर और लद्दाख से मुतालिक कुछ जानकारी इनको आपके साथ जरूर शेयर, जम्मू के हवाले से भी हम आपको खबरें देते रहे। आज नाजरीन दिल बड़ा बोझल है और उसकी वजह यह है कि आज एक वीडियो मुझे भेजी गई जिसमें छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां जो है वो सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि उनके पास क्लासरूम की छत नहीं है, उनके पास लड़कियों के लिए कोई टॉयलेट नहीं है और सबसे बढ़कर उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर्स नहीं। नाजरीन देखिए ये वीडियो। नाजरीन, कोई पत्थर दिल इंसान ही होगा जिसका ये वीडियो देख के दिल न भर आए। मासूम बच्चियां जिनके माँ बाप ये सोचकर अपनी बेटियों को स्कूल में दाखिल करते हैं कि अगर इनके पास तालीम का जेवर होगा तो इनका मुस्तकबिल अच्छा होगा, अच्छी तालीम हासिल करेंगी तो ये खुद मुख्तार हो जाएंगी, ये डिपेंडेंट नहीं होंगी एक मेल पार्टनर पे उस तरह से। दूसरा ये कि आजकल की महंगाई के दौर में जाहिर है कि मियाँ और बीवी जब तक दोनों जॉब ना करें घर का निजाम चलाना खासा मुश्किल है। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाकायदा प्रदर्शन यानी प्रोटेस्ट, मुजाहरे, धरने बदस्तूर जारी और किसी तरह भी रुकने का नाम नहीं ले। मैं आपको मिसाल देता हूं कि डडियाल में डेरी कासिम से लेकर नकोटा तक सड़क जो है वो इस कदर टूट फूट का शिकार हो चुकी है कि उस पर पैदल चलना भी मुहाल हो गया और अस्पताल जाने में जो सफर मिनटों का है वो घंटों में तय हो रहा है। लोगों ने खबरदार किया है कि अगर सड़क को मरम्मत ना किया गया तो फिर उनके पास सवाए एहतजाजी मुजाहरे करने के और कोई रास्ता नहीं होगा। 26 अगस्त को हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, कल 26 अगस्त है, कल स्कर्दू में आटे के बहरान, सब्सिडीज के खात्मे, बिजली, टैक्सेस, इन सब के खिलाफ जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है स्कर्दू में यादगार शहदा। इसी तरह से नाजरीन, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो हमने आपको बताया था कि फिश फार्म्स तबाह हो गए, बागात तबाह हो गए, फसलें तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि सैलाबी रेले जो लैंडस्लाइड से सैलाबी रेले बनते हैं और दरियाओं के रुख जो है वो तब्दील हो जाते हैं बंद होने के बाद, उसकी वजह से जो है वो सैलाब आता है तो वो बर्बाद हो जाती हैं। इसके अलावा नाजरीन, मेरे पास एक खबर ये है कि जो दारुल खिलाफा है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का, वहां पे भी प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है और आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद ये की जाती है कि वहां एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा तश्कील आएगा। नकियाल जो है नाजरीन शहर जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, वहां पे ऑल पार्टी त्राड़खल, ऑल पार्टीज कमेटी, अंजुमन ताजरान और ट्रांसपोर्ट यूनियन और सिविल सोसाइटी ने कल एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। इसी तरह से जो है वो और जगहों पे भी मुजाहरे जारी हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक खबर हमें आई है, वो ये है कि मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के शहर गिलगित में काशो पहोट जो है वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से सैकड़ों औरतें बच्चा पैदा करने के अमल के दौरान जो है जिंदगी की बाजी हार जाती। ये जो इलाका है गाशो पहोट का, ये 1500 खानदानों पर मुश्तमिल इलाका है, सड़क भी यहाँ की तबाह हो चुकी है और जाहिर है कि लेबर में एक खातून को जब लेके जाते हैं तो वो बड़ी दिक्कत वहां पर पैदा होती। नाजरीन, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की दो अहम सियासी पार्टियां जो सेंट्रल लेफ्ट की पार्टियां हैं, गिलगित बल्तिस्तान अवामी वर्कर पार्टी जिसके लीडर बाबा जान हैं और जम्मू कश्मीर यानी पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर उसकी जो जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी है उसके लीडर हैं निसार शाह साहब, ये दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि एक दोनों इलाकों की जो है एक जॉइंट होस्ट की जाए, इनकी तरफ से जॉइंट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन दोनों।
इसका बड़ा चर्चा हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग इसमें मोबिलाइज हो रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां इसमें जा रही हैं, बहुत सारी जो सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने वाली फलाही तंजीमें हैं वो भी जा रही हैं, सियासी लोग भी जा रहे हैं। और ये नाज़रीन इसकी अहमियत इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि जब से पार्टीशन हुआ है और पाकिस्तानी कब्जे और जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान का कब्जा हुआ, ये पहली दफा ऐसा मौका है कि दो पार्टियां दो खितों की पहली दफा इस्लामाबाद में 27 यानी परसों एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस मुनक्द। देखना यह है कि ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये जो उभार आया है इसको क्या सिमत दी जाती। नाज़रीन मुजफ्फराबाद में ये कहा जा रहा है कि दो गैर मकामी अफगान शहरी दाढ़ी वाले रायदा दहशत गर्द टाइप, उनको लोगों ने उस वक्त उनपे मतलब एक हावी हो गए, उनको पकड़ लिया जब उन्होंने मुजफ्फराबाद में फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की। मजीद तफसीलात का इंतजार है, लेकिन पहले एक वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देखें कि पीओजेके में लोग हाइड्रो पावर प्लांट के बंद होने पर मुजाहरा कर रहे हैं, ना बिजली है ना पानी है। दिखाइए ये वीडियो। नाजरीन ये आपने सूरतयाल देखी कि शायद ही पीओजेके का कोई ऐसा इलाका हो या पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जहां मुजाहरे ना हो। मैंने जैसे आपसे जिक्र किया था कि मुजफ्फराबाद में दो गैर मुकामी अफगान बाशिंदों ने फायरिंग करके खौफ हरास फैलाने की कोशिश की, उसकी एक वीडियो हमारे पास है। मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो हमारे साथ देखें। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए दो नामालूम अफराद की जानब से फायरिंग। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले दोनों अफराद गैर रियासती थे जिनका तलक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। इन दो अफराद के पास जदीद असला मौजूद था। अहलियाने इलाका ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दोनों अफराद को पकड़ कर उनकी दुर्गत बना डाली। अहलियाने इलाका का दोनों अफराद पर डंडू का आजादाना इस्तेमाल। नाजरीन इसका मतलब ये है, वाज़े मतलब ये है कि ये जो दहशत गर्द हैं ये बेसिकली अब सिर्फ वादी में नहीं बल्कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भी मकामी आबादी को खौफ व हरास में मुबला करने में शामिल हो रहे हैं, और दोनों खित्ते जो हैं कश्मीर के उनमें पाकिस्तानी सरकार जो है वो ये चाहती है कि यहाँ पे दहशत गर्दी का राज हो ताकि जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं पीओजेके में उनके उन लोगों को भी खौफजदा किया। मैं दावत देना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल ए के सिवाज, फॉर्मर हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। 22 साल तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में फौज की सर्विस दी है। तो आपका बहुत स्वागत है जनरल साहब, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जनरल साहब ये दो अफगान पकड़े गए हैं यहाँ मुजफ्फराबाद में जदीद असले के साथ, और आज फिर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है सांबा सेक्टर में जहाँ पे 3-4 लोग थे, परसों उनको मारा गया। आज भी जो है वो एक गोली मारी है बीएसएफ ने, लेकिन वो रींगते हुए सरहद पार करके पाकिस्तान में वापस दाखिल हो गया। 8 पैकेट पकड़े गए हैं जिसमें 8 किलो हीरोइन। तो एक तरफ दहशतगर्दी भी चल रही है और एक तरफ ये स्मगलिंग भी चल रही है, क्या ये कश्मीर और जम्मू के नौजवानों को नशे ही बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब इसमें कोई शक नहीं, ये लास्ट 72 घंटों में 3 बार इन्फिल्ट्रेशन की अटैम्प्ट हुई है। एक तो कुपवाड़ा सेक्टर में हुई है, फिर एक आपका हमीरपुर सेक्टर में छम जोड़िया वाले में, और तीसरा जो ये सांबा सेक्टर, और तीनों को हमने जो एक प्रकार से उनको नकारा कर दिया, और 3 से 4 टेररिस्ट भी मारे गए हैं। स्पेशली
कुपवाड़ा सेक्टर में। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान समझ रहा है कि ये गेम तो उनकी खत्म, क्योंकि अब आतंकवादी कोई 125 के करीब रह गए हैं घाटी में, और लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो गई, इनका मोराल बहुत डाउन है, इनके पास ना हथियार है ना अम्यूनिशन है, और ऐसे में ये कह रहे हैं कि भी फ्रेश काडर भेजो, नहीं तो यहाँ तो अब इनका बोरी बिस्तरा गोल होने वाला है। जिस प्रकार से सिचुएशन है, 1 से 125 साल के बीच में पूरा आतंकवाद को निकाल के फेंका जाएगा। और दूसरी दो तीन और बड़ी अच्छी बात हुई है, एक तो अब जो डेवलपमेंट का मुजाहरा हुआ है कश्मीर घाटी में वो काबिल तारीफ है, रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में काफ़ी फर्क पड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म होगी, उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ा है, पत्थरबाजी घटनाएं अभी बिल्कुल नहीं हो रही। ऐसे में ये पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, ISI सोचती है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन की जाए, फ्रेश काडर भेजा जाए, और यही कोशिश वो कर रहे हैं, और यही नहीं वो ये चाहते हैं कि ये आतंकवादियों के साथ स्मगलिंग, ये जो कहते हैं नेक्रो टेररिज्म का मुजाहरा है, इसके साथ साथ ड्रोन से भी ये हथियार भेजने की कोशिश करें, ड्रग्स भेजने की कोशिश करें, और इन्फिल्ट्रेशन भी कराने की कोशिश करें, मगर ये सब की सब फेल हो गई हैं। और ऐसा लगता है अब पूरा का पूरा जो पाकिस्तान की जो ISI है वो बिलखला गई है, और वो कोशिश कर रही है, और वो बार बार भारत को कह रही है कि हम आपसे बातचीत करेंगे, एक तरफ तो बातचीत के बारे में बोलते हैं और दूसरी तरफ ये इन्फिल्ट्रेशन की पूरी तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़ोरों से। और ये तीन नहीं, आपको मैं बताता हूँ, गुरेज सेक्टर में, मच्छल में, कैरन में, और तंगधार में, और उड़ी, और आपका रजौरी पूंछ, हर जगह दो दो तीन बार ट्राई हो चुकी लास्ट 72 घंटों में। तो ये मतलब कि एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन है, वो चाहते हैं किसी तरीके से आतंकवाद कश्मीर घाटी में बढ़े। और आपने बहुत एक अच्छा बात बताई, अब जो आतंकवाद यहीं नहीं कश्मीर घाटी में ही फैलाना चाहता पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में जो लोग वहाँ पर सड़कों पर आ रहे हैं, बिजली पानी और जो आपकी सड़कों के कारण, उन लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, उनको टेररइज करने के लिए, अब ये अफगानिस्तान से आतंकवादी बुला रहे हैं, वहाँ पर हथियार तो छोड़ गए थे अमेरिकन 50 से 60 बिलियन डॉलर के, वही हथियार M4 M16 है। तो ये एक अवाम को डरा रहे हैं कि आप अगर सड़कों पे आएंगे तो आपके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। तो ये एक नया तरीका स्टार्ट किया है पाकिस्तान की आर्मी ने और ISI ने, वो खुद ना आके ये आतंकवादी जो भारत के जम्मू कश्मीर में और वैली में आ रहे हैं, ऐसे ही आतंकवादी अफगानिस्तान से ये POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों को टेररइज करने के लिए, कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलोगे, अगर आप सड़कों पर आओगे तो आगे आपके अगेंस्ट टेररिज्म का इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान की आर्मी। तो ये एक नया पहलू खोल दिया है, पर सच्चाई ये है भारत का जम्मू और कश्मीर प्रगति की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट पीस इलेक्शन हो गए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत, अभी डिलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो गई है, अभी छोटी मोटी प्रतिक्रिया रह गई, और मुझे लगता है अगले 4 से 5 महीने में इलेक्शन होने हैं, और उसके बाद इसको स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को, और इसी प्रकार लद्दाख में भी यही हो रहा है। मगर आप ये देखें हो क्या रहा है, ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही कि ये किस प्रकार से अवाम में शांति आ रही है, और उधर जो लोग हैं गिलगित बाल्टिस्तान और POJ के में वो बहुत परेशान हैं, वो उनकी हालात बहुत ख़राब है, लोगों को पे नहीं मिली है, जो फौजी भी थे पाकिस्तान की आर्मी में उनको पेंशन नहीं मिली है, और ऐसा है 18 से 20 घंटे की पावर शेडिंग है, बिजली पैदा ये करते हैं, पैदा होती है आपके POJ के में, और इसको इस्तेमाल करता है पंजाब पाकिस्तान का, इनको 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट में, तो वो लोग अब भारत के जम्मू कश्मीर से मिलना चाहते हैं, वो गिलगित बाल्टिस्तान से मिलना, गिलगित बाल्टिस्तान मिलना चाहता है कारगिल और बटालिक के इलाके से। तो ये एक पूरा माहौल चेंज होगा, ये एक पाकिस्तान की आर्मी और ISI लगता है उनको कि ये उनकी गेम खत्म होगी, इसलिए अपने लोगों को भी वो टेररइज करना चाहते हैं, इसी साथ में कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादी भेजने की कोशिश करने, और साथ में अपने लोगों को भी कि सड़कों पर ना आए, अगर आप मुजाहरा करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते हैं तो आपके अगेंस्ट भी हम टेरर का इस्तेमाल करेंगे। मिर्जा साहब, जिना साहब, ये जो भारत के अंदर अभी हम देख रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन में तेजी आई है, ये
पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के उस बयान से इसका क्या ताल्लुक है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि तजारत का मतलब है, इंडिया के साथ तजारत का मतलब है कि सिविलियन गवर्नमेंट एम्पावर होती है इकोनॉमिकली, और जब भी सिविलियन गवर्नमेंट इकोनॉमिकली एम्पावर होती है तो जो पाकिस्तान मिलिट्री है इसके बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं और चाइना के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो मुतसादम हो जाते हैं, टकराते हैं इसके साथ। तो क्या इसको आप समझते हैं कि इस बयान के बाद चाइना और पाकिस्तान मिलिट्री ने मिलकर ये फैसला किया कि इन्फिल्ट्रेशन को तेज किया जाए? दूसरा पहलू जो है वो इलेक्शन का है कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन में तेजी आ रही है, कैसे देखते हैं दो पहलुओं को आप? बिल्कुल, दोनों पहलुओं में सच्चाई है। देखो, पहली बात तो सच है, जबकि शहबाज शरीफ वो चाहते हैं भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे हों, उसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है, टूटने के कदार में, फाइनेंशियली वो इतना वीक है कि 120 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है, 4 बिलियन डॉलर उनको चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन ले रहा है, उसके बाद IMF लोन देने को तैयार नहीं है। अब वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से कतार में अपनी फौज भेजी जाए और जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें वो सिक्योरिटी की ड्यूटी करें जिस प्रकार से पुलिस करती है, और 2 बिलियन डॉलर ले लें। तो ऐसे में इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की आज, तो शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो अगर रिलेशन भारत के साथ अच्छे हो जाते हैं तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भारत की इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, भारत के तो जो ट्रेड है वो बिजनेस है बहुत है, और भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन भी दिया है। तो ऐसे में वो चाहता है अगर भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा इकोनॉमिकली, मगर ये चीज पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल नहीं लाइक करती, वो चाहती है कि भारत के साथ रिलेशन खराब रहे, तभी तो पाकिस्तान की आर्मी का वजूद रहता है, उनकी इम्पोर्टेंस रहती है। जब से शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम चाहते हैं भारत के साथ हमारे रिलेशन ठीक हों, तो पाकिस्तान की आर्मी ने इन्फिल्ट्रेशन का बढ़ावा कर दिया है और वो ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट भेजने की कोशिश करें, तो वो नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि वो चाहते हैं जब तक रिलेशन खराब रहेंगे पाकिस्तान की आर्मी का वजूद रहेगा, पाकिस्तान की आर्मी का इम्पोर्टेंस। एक आपने बताया कि इनका जो बिजनेस का इंटरेस्ट है वो ये है कि जो फौजी फाउंडेशन है उसका 57 बिलियन डॉलर का ट्रेड चलता है, आप देखो रियल स्टेट से लेके बैंक, कोलगेट से लेके सीमेंट, ये सारे की सारी पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, तो वो भी नहीं चाहते कि भाई ये ट्रेड टूट चले तो इनका काम बंद हो जाएगा। आज वो जो है बिजनेस को पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान का, आज पैरेलल इकोनॉमी चला रही है पाकिस्तान की आर्मी, तो वो नहीं चाहते भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हों, तो ये एक प्रकार से हाईजैक कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ ने बोला है, ये जनरल बाजवा और इस पाकिस्तान की आर्मी और ISI वो चाहती है भारत के साथ कभी रिलेशन ना हो, इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन की ये कोशिश करें। दूसरा जो आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि अभी 2-3 महीने की विंडो है, क्योंकि फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर पासेज आ बंद हो जाते हैं, तो और इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन से पहले वो जितने ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी भेज दें उतना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसा हम बता रहे थे आतंकवादी अब बिल्कुल नहीं रहे हैं, 125 के करीब रह गए हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास अमनूशन नहीं है, उनका मोराल डाउन है, लीडरशिप खत्म हो गई है लश्करे तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की, इसलिए पाकिस्तान की डीप स्टेट चाहती है कि इलेक्शन से पहले कम से कम 100-150 और फ्रेश आतंकवादी भेजे जाएं, और इसलिए ये कोशिश हो रही है। तो ये दोनों बातें हैं इसमें, पाकिस्तान की आर्मी रिलेशन इंप्रूव नहीं चाहती भारत के साथ, और दूसरा इलेक्शन से पहले ज्यादा से ज्यादा वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज है, पहले कश्मीर घाटी की तरफ ज्यादा फोकस था, अब वो साउथ और पीर पंजाल उधर भी काफी कोशिश कर रहे हैं, यही नहीं कि पुंछ, रजौरी, सांबा, कठुआ, जम्मू का इलाका और उसके भी थोड़ा सा साउथ में, और वहां से वो ड्रोन की मदद से ड्रग्स भी भेजना चाहते हैं, अम्यूनिशन भी भेजना चाहते हैं, वेपन। तो ये कार्रवाई जोरों से कोशिश कर रही है पाकिस्तान की आर्मी कि इससे पहले कि इलेक्शन डिक्लेयर हो और सर्दियां आए हम ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करें भारत के अंदर आतंकवादी, क्योंकि आज आतंकवादियों का वजूद बिल्कुल खत्म हो गया कश्मीर घाटी में। मिर्जा साहब,
मेरे पास आखिरी 2 मिनट रह गए हैं। मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस मसले की तरफ कि इस वक्त तकरीबन 99 लाख के करीब कहा जा रहा है कि रजिस्टर वोटर है जम्मू कश्मीर का, और कल ये बयान दिया है जम्मू कश्मीर सरकार ने कि ये जो 20 लाख या 25 लाख जो नए वोटरों का इंदराज हो रहा है और नए वोटर आए हैं, ये अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के तहत है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नया एक्ट आया है और ये नए वोटर शामिल किए गए हैं। ये उसी एक्ट के तहत, जिस एक्ट के तहत पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते रहे हैं, उसी एक्ट के तहत ये इलेक्शन भी होंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, यही कहीं ना कहीं गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश थी कि कुछ लोग प्लेन से आ गए, कुछ फौजी होंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है। जो 1950-51 का जो आपका एक्ट है उसी के तहत इलेक्शन होंगे। और अब सच्चाई ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में भाग लेना चाहती है। आप देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आपने वजूद रखना है तो आप पॉलिटिकल ही वजूद रख सकते हैं। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आप खत्म है। दूसरा वो कह रहा है, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई लीडरशिप आ रही है, यूथ लीडरशिप, पढ़े लिखे लोग। तो वो अब जो रीजनल जो पार्टियां थी पुरानी जो बहुत सालों से चली हुई थी, उनको भी अभी कभी काफी घबराहट है कि उनके सामने बहुत तगड़ा कंपटीशन है। क्योंकि अगर आप देखें पंचायत इलेक्शन हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ पर बड़े यंग यूथ सेलेक्ट होकर आए, पढ़े लिखे यूथ। तो ऐसे में अब ये नहीं चाहते कि ये बिल्कुल साइड ट्रैक हो जाएं, ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इलेक्शन साफ सुथरे ढंग से होंगे, बिल्कुल फेयर होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। क्योंकि एक चीज तो माननी पड़ेगी, कम से कम मैं कहूंगा 30 साल से भारत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो भी इलेक्शन होते हैं वहां बाय एंड लार्ज बिल्कुल फेयर, और उसके ऊपर कोई किसी ने इसके ऊपर नहीं बोला कि भाई इलेक्शन में कोई दादागिरी हुई है। जबकि इवन आपके जो हमारे जो वोट के लिए एक मशीन है, वोटिंग मशीन, उसके ऊपर अभी भी लोग कहते हैं वर्ल्ड में कि भारत एक इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इतने बड़े इलेक्शन उससे कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, ये दूसरे देश क्यों नहीं अपना पा रहे, क्यों भारत इतना इसके मामले में बहुत आगे निकल गया है, बड़ा फेयर सिस्टम है, बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो काफी सक्रिय है, पुख्ता है, और जो इलेक्शन होंगे जम्मू और कश्मीर में वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, फेयर होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। पर मुझे लग रहा है आने वाले समय में यंग लीडरशिप आएगी, यूथ आ रहा है जो चाहता है कि यंग लीडरशिप आएगी, यूथ आएगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इलेक्शन रिजल्ट जो है का बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूजडे को शाम 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और जनरल ए के सिवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय हिंद।